हेलो फ्रेंड। तो जैसा मैं दिल्ली से निकला था, दिल्ली टू मनाली का हमारा टूर था 3 नाइट 4 डेज का। तो हम यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं 3 नाइट एंड 4 डेज। ये है द माउंटेन पर्ल। तो जैसा ये इसका नाम है वैसा साइट सीइंग है। आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे पूरा माउंटेन व्यू आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। आगे देखते हैं कैसा होटल का रूम है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम। थोड़ा सा गार्डनिंग यहाँ पे, ये कॉरिडोर का है। ये यहाँ पे गार्डन हो रहा, गार्डनिंग हो रखी है एप्पल की। ये माउंटेन व्यू है हमारा कॉरिडोर का। ये देखिए, ये सारे एप्पल के पेड़ हैं सारे। अब मैं आपको अपने रूम में ले चलता हूँ। ये हमारा हाइड्रेंट सिस्टम है थोड़ा, ठीक है, होज रिल होज है। और ये है मेरा रूम, ठीक है। रूम बहुत ही अच्छा है, ऑसम रूम है। ये बाथरूम है, ओके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बाथरूम है। बिल्कुल आप सेलिब्रिटी की तरह, ऐसा लगेगा सेलिब्रिटी जैसे यूज करते हैं वैसा ही है। बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। देखिए, ये बेडरूम है और ये बाथरूम है। आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं कोई बाथरूम में जाएगा तो, ठीक है। बाकी ये है हमारा होटल का रूम। सामान सारे फैले हुए हैं सब, ओके। तो उसके लिए सॉरी, वो थोड़ा मत देखना क्योंकि रात को पहुंचे थे तो ऐसे ही, और वैसे मैं रहता भी ऐसा ही हूँ। ये सर्विस के लिए आप फोन कर सकते हैं कुछ आपको ऑर्डर करना हो ये सब, ठीक है। सर, मैंने चाय वाय पिया था सुबह। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो ये है हमारा माउंटेन व्यू। ये व्यू है फ्रेंड्स, काफी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे पूरा, ये पूरा एप्पल का ही है। जितना भी पेड़ दिख रहा है आपको, सब सेब के पेड़ हैं। और अभी मॉर्निंग टाइम में तो पूरा पहाड़ दिख रहा था, काफी हाइट पे है, लेकिन थोड़ा फॉग इकट्ठा हो गया। ऐसा लग रहा है बिल्कुल हेवन टाइप का लग रहा है, सारे बादल नीचे आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। तो ये सारा फॉग है। और ये माउंटेन व्यू, ये सबकी बालकोनी दे रखी है। यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, आके चाय वाय पी सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश हवा ले सकते हैं। और ये एंट्रेंस गेट है हमारा होटल का, ओके। तो फ्रेंड्स, ये था व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम जाएंगे साइट सीइंग के लिए 9 o'clock, फ्रेश फ्रेश होके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ से अटल टनल स्टार्ट होता है हमारा। ये देखिए, अरे वाह, बादल कितने नीचे आ गए। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी व्हाइट दिख रहा होगा, वो बर्फ गिर रखा है। यहाँ से हम अटल टनल के अंदर घुसे। ये हमारा अटल टनल है। ये मतलब कितना लंबा होगा ये? 9 किलोमीटर लंबा है। 9 किलोमीटर। तो यहाँ से ले 396 किलोमीटर है और कारगिल 450 किलोमीटर है यहाँ से। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है शिशु वैली, जो टनल के बाद आई है। ये यहाँ का नज़ारा है। तो ये चंद्रावती रिवर है और वहाँ पे थोड़ा स्नो दिख सकता है हल्का सा। इस बार स्नो बहुत कम गिरा है हिमाचल में। Thank you.
आज हम जाएंगे मणिकरण एंड कसौल, यहाँ से 75 टू 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, काफी लॉन्ग रूट है और पहाड़ी इलाका है, तो मजा आएगा आज का दिन। और कल हम गए थे अटल टनल एंड सोलंग वैली, सूसी वैली, वहाँ भी हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने टाइम स्पेंड किया। और आज ज़्यादा मज़ा आने वाला क्योंकि आज लॉन्ग डिस्टेंस है और काफ़ी फेमस है मणिकरण, आपको पता ही है। तो मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड, ये है हमारा गुरुद्वारा हरिहर घाट जो कि मणिकरण में है। तो मैं एक बात करना चाहूँगा अपने सिख भाइयों के लिए, मतलब जो भी हमारी डेली नीड की चीज़ है, जैसे कि खाना हुआ, सोना हुआ, रहना हुआ, मतलब ये चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको गुरुद्वारे में। तो ये जो हमारे सिख भाई जो सेवा करते हैं कि बहुत बड़ी बात है, हर गुरुद्वारे में आप कहीं भी जाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रहने की खाने की, जो ज़रूरतमंद की चीज़ है वो पूरी करते हैं यहाँ पे। तो एक बार बहुत बहुत थैंक्स उनके लिए, हमारे सिख भाइयों के लिए। ठीक है, सो ये है फ्रेंड हडिम्बा टेम्पल मनाली में, ये यहाँ का व्यू है। तो फ्रेंड, आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का और यहाँ से हमारा चेकआउट हो गया है। अभी हम थोड़ा वॉकिंग के लिए निकले हैं, बाकी हमारा ड्राइवर आएगा, वो लगेज लेके जाएगा। तो ये पीछे देख रहे हैं हमारा होटल, ये था माउंटेन पर्ल और ये व्यू है। ओके, तो अब हम चले घर, बैक टू मनाली टू दिल्ली। ओके गाइज़।